तो भाई लोग कैसे हो? तो स्वागत है आपका एक और गेम प्ले वीडियो में। और इसमें हम बात करेंगे थोड़ा कि भैया कार चेस के टाइम क्या करना है, ठीक है? वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा जब कार चेस हो रही होगी, जो कि होती है यहाँ पे। मतलब कार से फाइट हो रही है, बस यही बात है, ठीक है? और कुछ चीज़ें बताऊँगा आपको। और यार यहाँ पर हम आए हैं पोचिंग की में, तो पहले जो पोचिंग की में आए हैं उन्हें पेलना पड़ेगा ना, फिर ही होगी कार चेस वगैरह। तो बस उन्हें पेलते फिर चलते हैं। है बंदे, ये वाले घर में भी Enemies ahead. ये रहा नीचे आया, ऊपर जाने की नाकाम कोशिश। Enemies ahead. आ रहे इसके बंदे। तो भैया क्लॉक खेलने का यही फ़ायदा होता है यार, आप M16 ऐसी गनों को भी ऑटो पे चला सकते हो, ठीक है? टैप टैप करना होता है, जबकि थंब से खेल रहे हो तो भैया आप एम कहाँ पे करोगे और गोली चलाओगे कहाँ? अगर एम कर पाओगे तो फिर मूव करते हुए शूट नहीं कर पाओगे ना, ठीक है? उस बंदे पे उजी थी और डीपी थी, पर नहीं पेल पाया मुझे, तो अभी उसकी डीपी मैंने टपा ली है। अब थोड़ा सा सही फील हो रहा है, पर M16 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार मेरे लिए, क्योंकि मैं क्लॉक खेलता हूँ, ठीक है? मतलब इतना दिक्कत नहीं है, चलते हुए फायर हो जाता है उससे भी। हाँ, बस कितना तेज़ टैप करते हो उस पर डिपेंड करता है कितना डैमेज आप डील करने वाले हो, पर ठीक है यार। तो क्लॉ पे शिफ्ट हो जाओ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्लॉ वीडियो लाने के लिए, ठीक है? मेरे पे कैमरा नहीं है अभी ढंग का, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, कुछ दिन बाद बिल्कुल डालूंगा फ़ोन के लिए क्लॉ वीडियो कि कैसे खेले फ़ोन पे क्लॉ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों पे फ़ोन है। आगे और बंदे शर्ट साइड। चर्च पे ही है। तो भैया यहाँ पे अल्ट्रा स्नेकिंग मोड ऑन था बंदे का, घर के अंदर ही घुस के सांप बना हुआ था, पर क्योंकि मैं हाई ग्राउंड पे था मुझे दिख गया वो बंदा किसी तरह से। और भैया आयरन साइड तो आपको पता ही है डीपी की क्या होती है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे जॉर्जो पे, क्योंकि वहाँ पे फ्लेयर वगैरह चली है, फिर देखते हैं अब कितने बंदे वहाँ पे पेल पाता हूँ मैं। 5-5-6 है। तो भैया मुझे कभी कभी ये समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो जाता है कि तीन बंदे हैं यहाँ पे और चौथा बंदा है ही नहीं, गायब, ठीक है? हमने इन्हें नॉक छोड़ा था ये सोच के कि भाई इनका चौथा बंदा भी आएगा इन्हें पेलने के लिए, पर कोई नहीं आया भाई। मतलब तीन बंदे जॉर्जो उतर रखे हैं, वो बहुत सही है कि इन्होंने क्लियर कर दिया था यार, यहाँ पर कोई आया नहीं था जो भी वजह थी, पर चौथा बंदा गायब भाई, वो कहीं और ही लूट रहा होगा, ठीक है? अभी मैप में अगर इनका मैप देख पाएंगे हम तो बहुत ही दूर कहीं होगा, ठीक है? तो देखो भाई लोग साथ रह लो जॉर्जो जैसी जगह में तो खासकर, और फ्लेयर चला रहे हो भाई तो बिल्कुल ही साथ जाओ, क्योंकि बंदे आने हैं ही हैं। हमारे जैसे किल के भूखे बहुत मिलेंगे मैप में आपको कभी कभी लॉबी में, तो भैया साथ आ जाओ, खासकर तब जब फ्लेयर चला रहे हो, और यार कवर लेके बैठ जाओ। और अब एक और फ्लेयर चलेगी, तो अब हम उसकी तरफ भागेंगे कुत्तों की तरह। और अब होगी कार चेस, तो मैं आपको बताता हूँ अब कार चेस के बारे में। ये
Enemies ahead. तो यहाँ पे इस टाइम पे कार पे एक ही बंदा था, पर ये चीज़ हर बार अप्लाई होती है, ठीक है, कि भैया डिसाइड कर लो आप, आपका टारगेट क्या है, क्या आप कार को पूरा फोड़ के बंदों को, सारे बंदों को एक साथ मारना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि बंदे को नॉक नुक करें ताकि उनका बंदा कार रोके, जो भी हो, ठीक है, आप एम किसके लिए कर रहे हो, कार के लिए कर रहे हो, कार को फोड़ने के लिए कर रहे हो, या फिर बंदों के लिए कर रहे हो जो उसमें बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बंदों के लिए कर रहा था क्योंकि मेरे पे डीपी है, डीपी स्टेबल गन है, और एक ही बंदा था तो कार फोड़ना बेवकूफ़ी थी, ठीक है। अगर चार बंदे होते तो हाँ मैं बिल्कुल कार पे चलाता और कार पूरा फोड़ने की कोशिश करता, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि भैया कुछ लोग फायर रोक देते हैं इस चक्कर में कि भैया लास्ट में गोली चलाऊंगा, मैं सारी किल में ले जाऊंगा। अबे पागल हो क्या भाई, मतलब बंदे मरेंगे ही नहीं भाई अगर तुम गोली नहीं चलाओगे, तो किल क्या खाक मिलेगी तुम्हें। तो जब भी मैं पूछता हूँ कि भाई गोली क्यों नहीं चला रहा है, ऐसे बंदों से पूछता हूँ मैं, तो जवाब यह आता है कि भैया लास्ट में गोली चला गया, मैं किल ले जाऊँगा। अरे भाई क्या लॉजिक है यार, पागल हो क्या तुम, लास्ट में मतलब गोली चलाओगे तो गाड़ी को डैमेज कौन करेगा, तुम गोली नहीं चला रहे हो, तुम्हारा फ़ायदा ही क्या हुआ लास्ट में किल ले जाओगे तो ऐसे बंदों को गाड़ी ले जाओ, पानी में डाल दो, ठीक है, ऐसी जगह डालना कि वापस ना आ पाए वो वहाँ से। और आपकी टीम में जिस भी बंदे का एम बहुत अच्छा है उसे गाड़ी चलाने मत दो, ठीक है, क्योंकि वो डैमेज ज़्यादा बढ़िया तरीके से करेगा, बंदे ज़्यादा नॉक वो करेगा, ठीक है। तो गाड़ी कोई और चलाओ जिसका एम इतना ठीक नहीं है, और जिसका एम ठीक है उसे पीछे बैठाओ ताकि वो बंदे पेल सके। भैया यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक कैंपर बैठा हुआ था, ठीक है, फुटस्टेप कुछ दिए नहीं उसने, इसकी गाड़ी बाहर लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चेक कर लेते हैं, ठीक है, इतने चांसेस कम थे कि यहाँ पे कोई होगा। तो इसी इसी गलती की वजह से हमारा एक बंदा ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे दूसरा भी ख़त्म होने वाला था, वो तो मैं आ गया टाइम पे। तो भैया इस टाइम पे मेरे टीममेट का गेम बहुत ही बुरी तरह से लैग होना शुरू करता है, तो अब जो भी करना है मुझे ही करना है यहाँ पे, तो मैं बहुत केयरफुली खेलना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक गाड़ी आके रुकी है, ठीक है, जिसमें पूरे चार बंदे हैं, ठीक है, गिन चुका था मैं, तो मैंने डिसाइड किया कि पीछे जाता हूँ, पोजीशन चेंज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उन्हें पता ही है कि हम यहाँ पर हैं, ठीक है, और वो लोग चार हैं, हम दो और मेरा टीममेट, ऐसी लैग हो रहा है, तो इसलिए मैं पीछे वाले घर से एम लेके बैठूंगा कि जब ये ऊपर चढ़ेंगे कोई गलती करेंगे तब मैं इन्हें पेलूंगा। जैसे कि आपने देखा भाई, पोजीशन चेंज करने से कितना फ़ायदा हुआ, दो बंदे आए ऊपर बेवकूफ़ों की तरह, एक ही ग्रोजा की स्प्रे में दोनों नॉक, ठीक है, तो फाइट इवन हो चुकी थी, 2v2 था, और आप देख ही रहे हो कि मेरे दोस्त का कैसा लैग हो रहा है, ऑक बिल्कुल 100 गोलियाँ चला रहा है वो ऑक से,
तो यहाँ पे अब फिर जोन चेंज हो चुका है, तो अब मुझे डिसाइड करने की क्या करना होगा आगे। Enemies ahead. Enemies ahead. तो मैंने यहाँ पे देखा कि बंदे भग भुग रहे हैं, ठीक है, जोन की डर की वजह से। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी भग लेता हूँ गाड़ी लेके, ठीक है, गाड़ी को एज ए कवर यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं गाड़ी उठा के जस्ट जोन में डालूंगा और देखूंगा बंदे कहाँ हैं, उसी हिसाब से उन्हें पे लूंगा। और मैं अपने फ्रेंड को नहीं उठाता क्योंकि यहाँ पे वो लैग होगा, गेट इन आएगा नहीं उसका, और मैं भी यहीं पे पेल दिया जाऊंगा। Enemies ahead. Form up on me. Form up on me. तो अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मैं उस भगते हुए बंदे को क्यों नहीं मार रहा हूँ, तो पहले मुझे ये लगा कि भाई वो बंदा हमसे लड़ना नहीं चाह रहा है, मतलब पैन फाइट करना चाह रहा होगा, जो भी होगा, ठीक है, इसलिए गन हटा के भाग रहा है। तो मैं अभी उसे नहीं मार रहा हूँ, यही सिंगल वजह थी उसे ना मारने की, नहीं तो भाई खुले में भाग रहा है वो, बिल्कुल आराम से पेल देता। पर अभी बाद में पता चलेगा कि भाई मैं बिल्कुल ही गलत हूँ। तो यहाँ पे मेरा टीममेट ऑक को M249 की तरह चला रहा है, और उसने मतलब बहुत लैग हो रहा था वो, तो गोलियाँ पता नहीं क्या ही हो रही थी उसके साथ, ठीक है। तो उसने गलती से मतलब जो नॉक था बंदा उसे मार दिया है यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे मेरा पैन फाइट का सपना घास में मिल चुका था, ठीक है। बंदा डीपी, भाई डीपी खोल दी बंदे ने, मैं ऐसे ही भग रहा था ये सोच के कि भाई वो कुछ नहीं करेगा, पर बंदे ने डीपी मतलब चला के पेलना शुरू कर दिया। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता था भाई, यहाँ पे पेलना था। और क्लिप को दोबारा देख के मुझे ये पता चला है कि वो पैन फाइट वगैरह कुछ नहीं चाहता था, वो अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए भग रहा था, ठीक है, जैसे कि उसे लग रहा था वो बच जाएगा वहाँ तक जाने में, वो तो मैंने छोड़ दिया। नहीं तो भाई अगर ऐसे खुले में आप भग रहे हो तो नहीं बच पाओगे भाई, कोई चांस ही नहीं है, खासकर तब जब बंदों पे डीपी वगैरह हो। और अगर एंड सर्कल में आपका फ्रेंड कहीं दूर जाके नॉक हुआ है आपसे, तो उसे छोड़ दो, ठीक है, वो डिजर्व करता है मरना। हाँ, अगर फ्लैंक करते हुए मर रहा है तो कोई, वो बिल्कुल ही अलग बात है। तो बस भाई लोग, आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए यार।